अरे हट जाओ भाई, इधर मेरे को उठाओ, मैं वो नीचे ऊपर से दिखा देता हूँ। फिर से आ गए रे बाबा इधर। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग मस्त मजे में होंगे। तो गाइज सीन आज का कुछ ऐसा है कि हमने अभी कुछ ही दिन पहले एक नया रूम लिया था। रूम हमने वर्सोवा विलेज में लिया था, जहां पर हम पहले रहते थे उसके आसपास में ही है, बगल में ही। तो रूम तो लिया और दो दिन से हम वहां पर रहने भी लगे हैं, लेकिन हमने आज सोचा कि क्यों ना आज हम थोड़ा सा पूजा वूजा कर लेंगे। तो आज थोड़ा सा पूजा करने के हम पंडित जी को उठाने के लिए आए थे। पंडित जी को उठाए हम, ये देखिए पंडित जी कौन है। ये हमारे नमस्कार, राम राम सबको, अमन भाई हमारे पंडित जी, हम उठाने के लिए आए थे। अब ले जा रहे हैं रूम में, थोड़ा सा पूजा वूजा करेंगे। आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है आज? आज बृहस्पतिवार के शुभ अवसर पर हम आज इनके घर में गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। हवन करेंगे, घर का शुद्धिकरण करेंगे, गंगा जल से घर को पूरे पवित्र करेंगे, उसके बाद घर में गृह प्रवेश करेंगे। वाह, तो लोगों को शुभकामनाएं हैं हमारी। पंडित का ही काम नहीं करते हैं, साथ में कास्टिंग भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। इनका एक वेब सीरीज आ रहा है सोफिया नाम का, तीनों है हम सोफिया में। बचपन से पंडिताई की है, हमारे घर के बगल में मंदिर था तो हमने बहुत हवन किए हैं। अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, हमारे घर में अभी हवन चल रहा होगा। बचपन से करा है सब कुछ, हमें आता है, इन कामों में बहुत मन लगता है, मन को शांति मिलती है। जब भी मौका मिलता है तो इसमें हम बढ़ चढ़ कर योगदान अपना देते हैं। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, बढ़िया इन सब में हमें थोड़ा बहुत। तो गाइस अभी हम हमारे पुराने रूम में पहुंच गए थे, लेकिन वहां जाके हमें पता चला पुराने रूम में ताला लगा हुआ है। लड़कों को हमने वहां पर रख दिया था, दो लड़के रह रहे थे अभी कुछ दो दिन से अकेले, लेकिन वो लोग रूम में ताला मार के भाग गए, पता नहीं कहां भाग गए। हमें कुछ लेना था रूम से, ले भी नहीं पाए, कुछ सामान है पड़ा हुआ, छोटी छोटी गलियाँ, ये देखो जाम हुआ है पूरा। तो गाइस बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं वर्सोवा विलेज में। यही है, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा भीड़। जो एक्टर्स लोग हैं मुंबई जो आते हैं, वो लोग ज़्यादातर ये जगह पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ से आराम नगर बहुत पास पड़ता है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले वीडियो में, ये वाला है रूम हमारा। बिल्डिंग देखो बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है, रूम भी बहुत बड़ा है। वो वाला ये खिड़की अपना है, ये वाला खिड़की, उसके उधर पूरा 1 BHK का फ्लैट है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्पेस बहुत ज़्यादा है। और बिल्डिंग के बाहर भी इतना बड़ा स्पेस है, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर रहने में। यहाँ पर हम थोड़ा शूज़ वगैरह रखने का वो लेकर रहेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी हो यहाँ पर शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह रखते हैं। ये हॉल है, एंट्री करते हैं ऊपर, देखो बहुत बढ़िया है, एंट्री गेट है ये, और ये है हॉल, बहुत ही बड़ा है। और हॉल में ही वॉश बेसिन भी है हॉल में ही, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन है, यहाँ से हॉल से ऐसा कुछ व्यू आता है, नज़ारा बाहर का, बहुत बड़ा हॉल है। चलो थोड़ा मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर पानी का टंकी है, और यहाँ पर बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम है अंदर। हॉल का टॉयलेट बाथरूम है, ये देख सकते हैं आप लोग। कमोड भी है और गीजर वगैरह सब कुछ है, शावर वगैरह, ये बाथरूम है इधर। और यहाँ ही पास में है किचन, किचन भी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा स्पेस है किचन का। कपड़े बहुत ऐसे फेंके हुए, देखो ये देखो, क्या ये कपड़े है कि मछली बाजार है, मछली बाजार जैसा है। सब कुछ धोना है आज, क्योंकि बहुत टाइम से हमने धोया नहीं, क्योंकि रूम चेंज करने ही वाले थे और बहुत दिक्कत आ रही थी हमारे लिए लाइफ में। तो ये है जेडी, इसको आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ये भी ब्लॉगिंग करता है, जेडी जाकर किचन है यहाँ पर। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इस साइड में सिलेंडर रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस साइड में स्पेस है थोड़ा सा, तो खाना जब बनाते हैं तो उसका वेपर जो आता है, जो गर्म गर्म, वो चला जाए बाहर, खुले में रूम में घूमता ना रहे, इसलिए तो यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन के लिए है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ गैस वगैरह हो गया, चूल्हा, यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह और भी सामान वगैरह रखेंगे। और यहाँ पर फ्रिज रखेंगे, फ्रिज के लिए भी है यहाँ पर स्विच बोर्ड है, फ्रिज रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर वाटर प्योरीफायर वगैरह कुछ रख सकते हैं पानी के लिए, ठीक है, ऐसा ही कुछ। और यहाँ पर हम थोड़ा सा डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं, हम सोच रहे हैं अगर रख दे बीच में यहाँ पर, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, किचन का बड़ा स्पेस है। ये हॉल हो ही गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अब यहाँ पर आते हैं हम, ये है बेडरूम। बेडरूम में हमने अभी कुछ रखा नहीं है, सिर्फ गद्दे रखे हैं, क्योंकि हम दो दिन से ऐसा ही सो रहे थे यहाँ पर आकर, ठीक है। तो गद्दा रखा, ये है बेडरूम। बेडरूम भी बड़ा है, स्पेस अच्छा है बेडरूम का भी, काफ़ी बड़ा रूम है। बेडरूम में भी एक खिड़की है, यहाँ से
कुछ ऐसा व्यू आ रहा है मज़ेदार, बढ़िया ठंडे ठंडे हवा आता है क्योंकि पेड़ पास में ही है, गर्मी इतना महसूस नहीं होता। और बेडरूम के बगल में है फिर से एक वॉशरूम है, यहाँ पर दो दो है रूम में, क्योंकि ये है हमारा फ्लैट 1 BHK लेकिन 2 BHK का एरिया में है, 2 BHK को 1 BHK में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए दो दो हैं। और बाहर है ये वॉशबेसिन, यहाँ पर भी टैंकी है, दो दो टैंकी है, दो दो बाथरूम, दो दो टैंकी है, पानी की थोड़ा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गाइस पानी का भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं था पहले पूछा था हमने पानी का कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं करके, लेकिन जो एजेंट है ऑनर है उन लोगों ने बताया पानी का उतना प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अभी हमें पता चला कि यहाँ पर पानी खारा पानी आता है पूरा नमकीन टाइप का। मैं जब यहाँ पर मुंह धो रहा था ना सुबह उठ के, तो मुझे लगा यार मुंह धो रहा हूँ यार पसीना आ रहा है क्या, नमकीन नमकीन क्या है क्या है, कैसा कर रहा था, पता चला मैं जो पूरा पानी ही नमकीन आता है यहाँ पर खारा पानी, लेकिन वो हम ठीक करेंगे ज़्यादातर 10-15 दिन के अंदर ठीक करेंगे। तो गाइस बेडरूम के पास में यहाँ पर स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस बहुत ज़्यादा है इस रूम में, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके स्पेस बनाया है, तो वॉशरूम के सामने ही स्पेस है, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, विंडो भी है, बहुत बढ़िया व्यू आता है यहाँ से, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आता है, पॉजिटिव वाइब्स देखो बहुत मस्त वहाँ पर दिख रहा है, मड का थोड़ा सा पहाड़ी वगैरह जंगल जैसा दिख रहा है, वो है मड आइलैंड, ठीक है, समंदर पास में ही है, जंगल जैसा है यहाँ पर माहौल। और ये मंदिर बहुत ही बड़ा और मैदान है यहाँ मंदिर का, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो रूम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी कुछ है नहीं रूम में, सामान सब खाली खाली है, बहुत सारे सामान लेके आना है घर के लिए, तो घर को अच्छा घर जैसा माहौल बनाने के लिए अभी तो पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है बहुत। तो कुछ टाइम बाद मैं फिर से एक व्लॉग बनाऊंगा जब हमारे रूम में बहुत सारे सामान आ जाएंगे, तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से हमने क्या लिया कैसे लिया, तो वो भी वीडियो डालूंगा। तो अभी कुछ ऐसा ही है, खाली सा है, लेकिन अब थोड़े से हम यहाँ पर पूजा करने वाले हैं गृह प्रवेश करने के लिए, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए घर में, इसलिए थोड़ा पूजा करके भगवान को भी खुश करेंगे और उसके बाद अपना काम चालू करेंगे जो कुछ भी करना हो। पूरब किधर है नहीं पता इन लोगों को, तो पूरब किधर है चेक कर रहे हैं ये लोग, पूरब किधर नहीं पता, इधर है पूरब, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। क्या लेगा ना बोलो ना, पहले नीचे रखने के लिए ये सब टूट जाएगा, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा बड़ा है यार, क्या करें, क्या ले जाएं, बोल रहे ये लोग नीचे रखने के लिए कुछ ले आओ, इससे चलेगा नहीं चलेगा, अरे कड़क वाला प्लास्टिक है नहीं चलेगा, ये बड़ा है, कितना बड़ा है, अंग्रेजी पढ़ जरा था उतार नहीं सकते ना उसने, आपने है या पत्नी है धोती, तो कैसे उतारेंगे वो, कहाँ से टूट जाएगा वो, इधर मत आओ बताएंगे, अरे हट जाओ, हाँ ना इधर था यार ना खराब कर रहा है क्या, कहाँ पे ना कहाँ क्या, अरे इधर मेरे को उठाओ मैं वो नीचे ऊपर से निकाल लेता हूँ, हट जाओ, आराम से सर के ऊपर लग जाएगा, लगता है रहने में 3 घंटे तक, छोटा वाला देखो छोटा वाला, हाँ 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 हो गया हो गया, अरे थोड़ा देख के करो आराम से करो, धोलो धोलो ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमोंकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगुणं।
तुषाराद्रि संकाश गौरम कबीरम मनोभूत। तो गाइस अभी पूजा समाप्त संपन्न हो चुका है, अभी खाना खाने के लिए हम बात कर रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं साथ बंगा। अभी हमारे किचन में सब कुछ रेडी हुआ नहीं है, खाना का सिस्टम अभी खाली है, एक दो दिन में सब रेडी हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तू तो खाना खाएगा नहीं? क्यों नहीं खाऊंगा? रात बोला था ना कि मेरे को भूख नहीं लग रही। नहीं, मैं दो दिन से थोड़ा बीमार था गाइस, इसलिए मैं दो दिन से खाना नहीं खा रहा था, फूड पॉइजन हो गया था शायद। बहुत टाइम से हम खाना नहीं खा रहे, समोसा नहीं, नहीं समोसा वगैरह खा के वो तेल के वजह से ना, ऑयल की वजह से पेट खराब हो गया था। आज जम के दबा के खाना खाऊंगा। क्या खाना है आपको ये बताओ? मुझे जो मन में है बहुत आज खिलाऊंगा मैं, देखते हैं वहीं जाके देखेंगे क्या मिलेगा सबसे महंगा। सस्ता में हमारा महंगा होगा वो इतना सा लेंगे। देखो ऑटो में जो चढ़े थे इतना बड़ा जाम हो गया यहाँ पर, तो जा ही नहीं पाए, चल के जाना पड़ रहा है हमको, बाहर से पकड़ेंगे ऑटो दूसरा। गली इधर, गली से निकलो गाइस। भाई आज खाना हो गया, खाना खा के हम बाहर निकल रहे हैं। आज हमने हलवा नहीं खाया यहाँ पर, खाने के साथ साथ में हलवा भी मिलता था, बहुत मस्त हलवा के साथ खाना मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर आता था, लेकिन आज हमने हलवा नहीं खाया क्योंकि मेरा पेट ख़राब है। ये खाते हैं ना मज़ा आ जाएगा। हाँ ये तो खाना पड़ेगा। तो भाई रूम अभी खाली खाली सा है, इसलिए ज़्यादा कुछ देखने के लिए भी है नहीं। कुछ टाइम बाद हम धीरे धीरे करके फर्नीचर वगैरह ला के भरेंगे, रूम में रखेंगे। तो अगर रूम के बारे में आप लोगों को जानना हो, बातें करनी हो, क्या है प्राइस वगैरह कैसे लिए हमने, ये सब चीज़ें आपको जानना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज की स्माइलिंग। ओके बाय।